फ्रेंड्स बेटा आज असी न्यू चैप्टर शुरू कर जा रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हाउ सरफेस लैंडफॉर्म्स चेंज, कि जो सरफेस लैंडफॉर्म्स ने साढ़े जो माउंटेन्स ने, प्लेन्स ने, प्लेटूज ने, डेजर्ट्स ने, आखिरी लैंडफॉर्म्स चेंज किमें होंगे ने उसे देखते हैं कि टाइम टू टाइम में चेंज रहे होंगे रेंगे ने ओवर द टाइम ग्रेजुअल चेंज होंगी है। जिस तरह के लैंडफॉर्म असी अज देख रहे हैं अज तो कई सौ साल कई हज़ार साल पहला इस तरह के नहीं सके और आने वाले टाइम के भी चेंज होते रहे। लैट्स सी, लैट्स बिगिन द लैसन। हाँ जी, लैट्स स्टार्ट। द लैंडफॉर्म्स दैट वी सी टूडे हैव बीन मॉडिफाइड ग्रेजुअली बट कंटिन्यूसली बाय एक्सटर्नल फोर्सेज सच एज हीट एंड कोल्ड, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लैंडफॉर्म्स असी अज देख रहे हैं ये पुराने टाइम इस तरह के नहीं सके, हौली हौली चेंज हुए या मोडीफाई हुए ने, लेकिन लगातार ये मोडीफाई होंदे रहे ने। कुछ एक्सटर्नल फोर्सिज ने इन्हों चेंज किया, जिमें गर्मी है, ठंड है, वगदा होया पानी है, चलती हुई बर्फ है, हवा, लहर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के कारण लैंडफॉर्म्स चेंज होंदे रहे ने। माउंटेन रेंजिज जिहड़ियां असीं देखते हैं, अरावली ऑफ इंडिया, एपालैचियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरल्स ऑफ रशिया, क्या देवर वंस प्रोबेबली एज हाई एज हिमालयाज और द एल्प्स। कभी यह हिमालय ज एल्प माउंटेन जिन्नी उच्चिया माउंटेनस है, लेकिन अज इन की उचाई काफ़ी घट गई है। दे हैव बीन रिड्यूस टू देयर प्रेजेंट रिलेटिवली लो हाइट्स बाय द एक्शन ऑफ एक्सटरनल फोर्सिज ओवर मिलियनस ऑफ ईयरस। मिलियनस ऑफ ईयरस लगे ने और जिद करके इन की हाइट जी है इन्ने टाइम काफ़ी घट गई है काफ़ी एक्सटरनल फोर्सिज की वजह के नाल। ऑन द अदर हैंड गंगा बेसिन, दूजे पास गंगा बेसिन की एग्जाम्पल दे रहा है, क्या गंगा बेसिन का जोड़ा एरिया है काफ़ी नीवा एरिया होंदा सी पहले, लेकिन अज काफ़ी उच्चा हो चुका है क्योंकि दरियावां दे पानी दे गंगा नदी दे पानी दे नाल इत्थे सिल्ट क्ले जिहड़ी है जमा हो गई है और जिहदे नाल दी हाइट काफ़ी गेन हुई है। सच चेंजिज़ हैव बीन टेकिंग प्लेस एवर सिंस द अर्थ केम इन टू एग्जिस्टेंस। जदों की धरती बनी है ये चेंजिज़ होंदियां रही ने। कोई लैंडफॉर्म जोड़ा है उच्चा हो जाता है, कोई लैंडफॉर्म जोड़ा है उस टाइम के नाल नीवा हो जाता है या नवा बन जाता है, टुट जाता है, इस तरह की चेंजिज़ होंदियां रहिंदियां ने। दे आर गोइंग ऑन ईवन टूडे, अज भी लैंडफॉर्म्स लगातार चेंज हो रहे हैं और आने वाले टाइम से भी चेंज होंदे रहेंगे। सब तो पहला देख लें वैदरिंग एंड इरोजन। वैदरिंग की है, द प्रोसैस दैट कॉज चेंजिज इन लैंडफॉर्म्स इनवॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एट वन प्लेस। सो लैंडफॉर्म्स जोड़े चेंज होंगे ने, सब तो पहली चीज़ कि है कि पत्थरों का टुटना, पत्थर जोड़े ने किसी एक जगह पर टुट जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, एंड ऑफन द रिमूवल ऑफ द ब्रोकन फ्रैगमेंट्स एंड देर डिपोजिशन एल्सवेयर। फिर वो टुटे हुए जोड़े पत्थर के कण ने वो उस जगह तो हटा के किसी होर जगह पर जाके डिपोजिट कर दिए जाते हैं कुछ फोर्सिज द्वारा। रॉक्स में भी ब्रोकन डाउन बाय आल्टरनेटिंग हीटिंग एंड कूलिंग। रॉक्स किमें टुटते हैं, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, गर्मी के नाल रॉक एक्सपेंड हो जाता है, ठंड के नाल रॉक जोड़ा है कॉन्ट्रैक्ट सुंगड़ जाता है। सो एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग के नाल क्रैक्स होने शुरू हो जाते हैं, ज किसी कैमिकल रिएक्शन के नाल बर्रोइंग एनीमल्स, कई बार एनीमल उत्थे घर बना लेंगे ने पत्थरों के। नैक्सट ग्रोइंग रूट्स, कई बार पत्थरों के जोड़े ने पौद्या दड़ा जड़िया फैलनिया शुरू हो जाए ने, पौधे उग जाते हैं उन्होंने नाल क्रैक्स आ जाते हैं फिर टुटन लग जाते हैं। आलसो बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान भी जोड़ा है पत्थरों को तोड़ दिता है, जिमें कि प्लाउइंग, हल बाना, जमीन पुटनी, माइनिंग का काम करना, सो इंसान भी जोड़ा पत्थर तोड़ दिता है। द कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑल प्रोसैसिज दैट इनवॉल्व ओनली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वैदरिंग। सो सारे प्रोसैसिज के नाल सारिया एक्टिविटीज़ के नाल पत्थरों का टुटना जोड़ा है उन्होंने असी वैदरिंग का नाम दें। पत्थरों का टुटना या पत्थरों को तोड़ना जोड़ा है ये वैदरिंग कहलाता है। वैदरिंग डजेंट इनवॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक मटीरियल्स। टुटे हुए पत्थरों एक जगह तो दूजी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना यह वैदरिंग के अंडर नहीं आता, वैदरिंग के अंडर सिर्फ पत्थरों का टुटना आता है। हाँ जी, रॉक मटीरियल लूजनड एंड ब्रोकन डाउन बाय वैदरिंग मे मूव डाउन स्लोप्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रैविटी, दिस इज़ नोन एज मास मूवमेंट। हम मास मूवमेंट बारे गल कर रहे हैं। मास मूवमेंट की होंगी है कि टुटे हुए जोड़े पत्थर के मटीरियल ने वैदरिंग के नाल जोड़ा पत्थर टुट जाता है वो टुटे हुए जोड़े कण ने जदों पहाड़ों दियाँ जोड़िया स्लोप्स ने ढाल है जी पहाड़ की वो राही
नीचे धरती की ग्रैविटेशन के करके नीचे वालों जदों गिर जाते हैं पत्थरों के टुटे हुए कण पहाड़ी तो उन्होंने मास मूवमेंट का नाम दिता जाता है। लैंडस्लाइड्स आर आलसो एग्जाम्पल ऑफ इट। लैंडस्लाइड भी एग्जाम्पल है जो जोड़ा है लैंडस्लाइड असं देखते हैं कि मिट्टी के व्डे व्डे मास जोड़े ने पत्थर के मास जोड़े ने नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं स्लोप्स से। समटाइम्स वैदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स आर कैरीड अवे ओवर लोंग डिस्टेंस बाय नैचुरल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर मूविंग आइस एंड विंड। कई बार नैचुरल एजेंट्स जिमें कि वहदा हुआ पानी बर्फ ज हवा जी है ये टुटे हुए पत्थर के कणों दूर लैके चली जाती है। द फ्रैगमेंट्स दैट आर सो ट्रांसपोर्टिड रब अगेंस्ट द रॉक्स ऑफ द रीजनस थ्रू विच दे आर कैरीड। सो इस तरह मान लो कि जिमें एग्जाम्पल मैं दिना है कि टुटे हुए पत्थर के कण से पानी उतों की वग्या पानी के टुटे हुए पत्थर जड़े ने मिक्स हो गए जिधर जिधर की पानी वगेगा उधर उधर की वो टुटे हुए कण भी नाल जाएंगे और जिस रस्ते तो पानी वग रहा है उत्थे कोई होर पत्थर अगर मौजूद ने किनारियां दे उपर तो इन टुटे हुए पत्थरों के नाल वो जिहड़े पत्थर ने रस्ते वाले वो भी जिहड़े ने ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाएंगे वो भी इस पानी च मिक्स हो जाएंगे। इन दिस प्रोसैस द ट्रांसपोर्टेड फ्रैगमेंट्स एज वैल एज द रॉक्स अगेंस्ट विच दे रब आर ब्रोकन डाउन। सो यही गल समझा रहा है। सो इस तरह के नाल जिहड़ा है ये जिहड़े पत्थर बह रहे हैं पानी दे विच वो भी छोटे हो जाएंगे और नाल दी नाल जिहड़े रस्ते दे साइडां वाले पत्थर सीगे वो भी टुट के मिक्स हो जाएंगे। द कंबाइंड एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज इरोजन। इसनों असं इरोजन कहने पत्थरों का खुरना कहने। सो कहता कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहे पत्थर और रस्ते वाले पत्थर जड़े ने आपस ब्रेकडाउन होंगे ने यही इरोजन है। नैक्सट वैदरिंग इज मोर एक्टिव इन ह्यूमिड रीजनस। जी वैदरिंग है ये गर्म इलाकों के जिते ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उत्थे ज़्यादा होएगी उत्थे ज़्यादा पत्थर टुटेंगे। एंड इन प्लेसिज वेयर द रेंज ऑफ टैंपरेचर इज़ हाई जिते टैंपरेचर ज़्यादा है उत्थे वैदरिंग ज़्यादा होंगी है पत्थर ज़्यादा टुटते हैं। इरोजन इज़ मोर एक्टिव इन रीजनस ऑफ स्लोपिंग टेरेन। लेकिन इरोजन ज़्यादा कितने होंगी है पत्थर खुरदे वगैरह कितने ने ज़्यादा जिते कि ढाल वाला एरिया होए पहाड़ी एरिया होए स्लोपी एरिया होए। ऑल रॉक्स आर नॉट इक्वली प्रोन टू वैदरिंग एंड इरोजन। सारे पत्थर जड़े ने उन्हां दी वैदरिंग दी जिहड़ी दर है जां इरोजन दी जिहड़ी रेट है एको जिही नहीं हुंदी वध घट हुंदी है। कुछ पत्थर जिवें शेल और लाइमस्टोन है वो ईजली टुट जाते हैं दूसरे पत्थरों के मुकाबले। प्लांट्स जिहड़े ने वो भी इरोजन नूं घटाउंदे ने किवें एज दे रूट्स बाइंड लूज रॉक पार्टिकल्स क्योंकि उन्हां दी जड़ां जिहड़ियां ने वो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स नूं जकड़ के रखदियां ने प्रिवेंट दैम फ्रॉम बीइंग कैरीड अवे और वो पत्थरों नूं दूर नहीं जाण दिंदियां उन्हां पत्थरों नूं जकड़ के रख दियां ने पत्थरों के टुकड़ियां। प्लांट्स आलसो एक्ट एज बैरियर्स टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर। प्लांट्स जिहड़े ने हवा वास्ते भी रुकावट बनते हैं और वहिंदे पानी वास्ते भी रुकावट बनते हैं इस तरह ये जिहड़ा है इरोजन रोकते हैं। दस वैन ट्रीज आर कट डाउन टू मेक रूम फॉर क्रॉप फील्ड्स टाउनस एंड सिटीज़ द रेट ऑफ इरोजन इनक्रीज़। लेकिन अज असी खेती वाली जमीन बनाने लई शहर बनाने लई पत्थर पेड़ों नूं पौद्या लगातार कट रहे हैं जिदे करके इरोजन की दर बढ़ रही है जिदे करके पत्थरों के जिहड़े पार्टिकल टुटे हुए ने वो पानी के लगातार वहदे जा रहे हैं। नैक्सट है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन की है लेइंग बेयर ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स एज ए रिजल्ट ऑफ वैदरिंग मास मूवमेंट एंड इरोजन। पत्थरों के टुटन कारण पत्थरों की ट्रांसपोर्टेशन जी होंगी है स्लोप्स की और इरोजन पानी या हवा राही पत्थरों का बहते कणों का बहना इन सब के कारण जिहड़े जमीन विचले पत्थर ने वो जिहड़े ने बिल्कुल बेयर हो जाते हैं उन्हां तों उपरली सरफेस जिहड़ी हट जाती है और वो एक्सपोज हो जाते हैं इसे नूं डेन्यूडेशन कहा जाता है। डेन्यूडेशन कॉजिज़ अ जनरल लोअरिंग ऑफ लीव। सो डेन्यूडेशन के कारण की हुंदा है कि किसी जगह जिहड़ी हाइट है सरफेस हाइट जिहड़ी है घटनी शुरू हो जाती है कोई जगह नीवी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उत्थों पत्थर टुट जाते हैं और दूसरी जगह पर जाके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इस कारण किसी एक जगह का जिहड़ा एरिया है रिलीफ है वो हाइट घटनी शुरू हो जाती है दैट इज़ डेन्यूडेशन।